नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देख रहे हैं झाबवा लाइव। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कोविड का प्रभार जिन मंत्री जी को दिया गया है, हरदीप सिंह डंग, वो झाबवा की सड़कों पर हैं। सुबह सर्किट हाउस पर, अभी 10 मिनट पहले वो सर्किट हाउस से निकले हैं, राजवाड़ा चौक पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। शायद लग तो यही रहा है कि शहर में लॉकडाउन का कितना असर है उसका जायजा ले रहे हैं। मैं बात कराता हूं आपकी मंत्री जी से कि आखिर उनको सड़क पर इस तरह से क्यों आना पड़ा। सर, आप पैदल सर्किट हाउस से निकले हैं, क्या जानना चाह रहे थे आप? या कोविड की महामारी जो पूरा प्रदेश और देश में जो चल रहा है, उसमें जो जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें क्या स्थिति है शहर की, ऐसा मदद जनता द्वारा की जा रही है, शासन प्रशासन द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो लगातार ये नज़र रखी जा रही है। और मेरा मानना है कि इसमें जनता का सबसे बड़ा रोल है, जो खुद जो सहयोग कर रही है। मैं समाज सेवी संगठन जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो खुद सहयोग करके इसमें जो अपना व्यवसाय बंद करके जो ये जो चेन है इसको तोड़ने की जो पूरी कोशिश जनता के माध्यम से की जा रही है, इसलिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। सर, कोविड जो है वो ग्रामीण स्तर पर फैल चुका है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। नवाब कलेक्टर जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मेन पावर की कमी है, उसे दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, लगातार शासन प्रशासन पूरा इसमें पूरा ध्यान दे रहा है। और मेरा मानना है कि जो ये महामारी है, सेकंड फेज बहुत तकड़ा है, इसमें सबकी जवाबदारी अपनी बनती है कि अपन सब इसमें सहयोग करें। और जो सेकंड फेज आया है, ये लगातार जो ऑक्सीजन और जो हमारी दवाई है उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिले, पर कहीं ना कहीं जनता को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। आपने मंत्री हरदीप सिंह डंग जी को सुना, उनका कहना है कि जनता के सहयोग के बगैर हम इस जंग को नहीं जीत सकते, शासन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। या पूरे शहर में निकले हैं पूरे शहर का जायजा लेने, जनता से सहयोग मांगने कि जनता इस चेन को तोड़ने में सहयोग करें, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर कोरोना से जंग जीतना बिल्कुल भी संभव नहीं। झाबवा लाइव भी आपसे अपील करता है कि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहें, सुरक्षित रहें। झाबवा लाइव आज आपको मंत्री हरदीप सिंह डंग जी की पल पल की अपडेट देता रहेगा। बने रहिए झाबवा लाइव के साथ।